हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत आज हो रही है कुल देवताओं के पूजन के साथ। माँ जी हमारी सुबह सुबह पूजा करके आ गई कहाँ पर? माड़ी पर। और अब मुझे जाना है देवताओं पर। बच्चे अभी अभी सोकर उठने लग रहे और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए प्रीति ने अब तक पोचा लगा दिया, क्योंकि बच्चे जब जाग जावे ना तो इधर उधर दौड़ते रहे, पोचा नहीं लगने देते। तो फिलहाल पहले तो प्रीति ने झाड़ू और पोचा कर दिया और माँ जी ने पूजा का सामान तैयार कर दिया। ये देवताओं पर जाना है मुझे। पहले माँ जी गई थी माड़ी पे, अब मुझे जाना है देवताओं पे। और माँ जी तो अकेली गई थी, लेकिन मेरे साथ पलटन भी जाएगी। कौन कौन चलेगा भाई? मैं। अरे तीनों हाथ उठा रहे, माही, आरुषि और नंदिनी। एक बाइक पर कैसे जाओगे भाई इतने जने? देख नंद को आगे बिठा लियो। नंदू आगे आ जाएगी टंकी पे, अरे ये दोनों पीछे आ जाएंगे। आ जाओगे ऐसे? और खाना बनाने की तैयारी चल रही है इधर। करेले काट ले, प्याज काट ले। है अंजल भी जाओगी? तो भाई इतने बच्चों को कैसे लेकर जाऊंगा भाई? एक बाइक पर नहीं जाने के इतने सारे, देने को यहीं छोटी जावे भाई। अंजल नहीं जा रही, एक बच्चे को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, तो पूजा का सामान हो गया तैयार और मुझे भी चलना है। माँ दूध नहीं रखा नुहाने नहीं क्या आज? दूध का डब्बा वो रखा है, तो भी चले। चलो तो बाइक निकाल हूँ, बैठो जल्दी जल्दी। क्या मैं कहाँ बैठूँगी? आरुषि ने पकड़ लिया है पूजा की जो कंडी है ये, और एक हाथ में आग लेऊँगा और एक में जाओगी दूध का डब्बा। पैदल ही चलूँगा फिर? पैदल चले जाएंगे सब मेरे साथ? हैं, आग कौन पकड़ेगा इनमें? तो कोई सा आग नहीं पकड़े बच्चे। फ्रेंड्स, बाइक पर बैठ कर हम लोग पहुँच गए देवताओं के पास। बाइक तो मैंने यहाँ रोक दी और सबसे पीछे तो बैठी थी माही। भैंस है वो, वो भैंस है, वो जोटा है, वो बुग्गी लगा रहा। चलो अरुषि आगे बढ़ो, बुग्गी आ रही है। बुग्गी नहीं है, अच्छा भैंस है, सही तो हो रहा है। और देखो आग तो हमने इस डब्बे में रखी थी हाथ ना जड़े, और दूसरे डब्बे में है दूर देवताओं को नहलाने के लिए। बस पहुंचने वाले हैं हम, ये हैं हमारे देवता यहाँ पे। चलो बच्चों बढ़ते रहो आगे। मंदिर है, बेबी मंदिर है, देवता है, मंदिर नहीं। चलो मुड़ जाओ भाई बच्चों, यहाँ को मुड़ जाओ। घोड़े वाले तो माड़ी बाबा है। चलिए इस तरह तो नहीं बचेगी, पति तो डर रही है, चलते रहो। पति तो ना डरो, पति तो देखते चलियो। चप्पल यहीं काट दो भाई। अरे बच्चों नंदनी को तो बिना चप्पल की लाया था, गोद में उठा रखी इसीलिए। लो भाई, सबसे पहले मैं देवताओं को स्नान करा देता हूँ। नंदू चुप हो जा। कोई बात नहीं, हम दूसरा लगा देंगे। ऐसे बना देंगे ये, लगती नहीं। चल तो इधर को हो जा। बाबू नहीं बन रही बत्ती, देखो कितनी सारी बत्ती बन रही। और ताला लगावे नहीं दोनों पे, देखो जहाँ ये लग रही है ना यहाँ लगा देगी। बाबू आपका हाथ जल जाएगा। बाबू इसमें लगानी है आग में, आग आग में लगानी है ये धूप बत्ती। हाँ लगा देगी तुम्हारे से? हाँ जी आराम से। देख इसमें भी आ गया, तू रहने दे बेटा, मैं लगा दूंगा बेटा। अभी आग पर पांव रखा जा। बैटरी बैठ जाएगी जगह आराम से। फिर हाँ ऐसे बैठ के आराम से देखो पापा जी कैसे दिया लगाते हैं। सही लगाओ। हाँ, बत्ती थोड़ी सी बाहर निकाल के। अरे वाह, लाओ यहाँ लगा दो बत्ती। लगा दी भाई और उसी ने यहाँ लगा दो। हाँ, पापा जी
चाचा जी आ रहे सुने तो एक और लगा दी। हाँ तो एक और लगा दी। तुझे डर लगा? एक दो तीन पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पापा जी फाल तो कोई बात नहीं ला उधर इधर दे रुको जला दो तेरह चौदह पंद्रह सत्रह अठारह उन्नीस पापा जी। हाँ। ये फालतू की आगे ले। ये छोटक सी नहीं समझ में आता मैं। नंदू आप कैसे बनाओगे वीडियो? दो 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 नहीं के तो नहीं दो आज चप्पल नहीं पहन का है चप्पल के बिना ठीक है पड़ती आज गंदे हो जाते फिर मैं नहीं आई फिर पापा जी ने इसे गोद भी ले लिया। हाँ फिर पापा जी ने पापा जी रात बारिश हुई थी। हाँ पापा जी नंदू ए नंदू चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह नंदू पंद्रह सोलह सत्रह उन्नीस बीस चालीस पचास छब्बीस नंदू आप भी करोगे पूजा? कर लो बैठ जाओ यहाँ से। नहीं पहले इनके लगाओ देवताओं का टिक्का लगाना पहले उसी बत्ती का डिब्बा बदला रोक दे मैंने मट्टी का बत्ती गरम क्यों कर रहे निकले हुए घी तो दी जा धूप गरम हो गया। हाँ हो गया गरम तो नहीं है क्या महाराज की गरम तो नहीं है नहीं गरम नहीं है इनके रंग धूप आगे देखो प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं उस पर रख दगले वाली का और पी लेंगे धूप दे दे हमें शाबाश बेटा ऐसे ही तो हम लेट होने वाले लेट अभी तो सुबह ही है अभी कहाँ से लेट हो गए। तो फ्रेंड्स पूजा कर ली हम लोगों ने देवताओं पे दिया बत्ती लगा ली प्रसाद चढ़ा लिया और बच्चों ने धूप बत्ती लगाई तिलक लगाया तब तक मैंने हाँ उंगली पर देखो इनके चंदन रो लग रहा सिंदूर टिक्का नंदू ने तो अपने भी लगा लिया भाई बढ़िया टिक्का लग रहा। तो पूजा कर ली अब चलते हैं घर पे चलो चलो घर पे हैं छोटा सा ही लगाया चलो ठीक है। हाँ जी चलो चलो ठीक है चलो आप इसी उठा लीजिए डब्बा में नहीं वो भी रख ले इसमें शाबाश। हाँ ठीक है डब्बा आप पकड़ लो तो देवताओं को नहला दिया दूध अब उसमें बचा नहीं डब्बा पकड़ लिया वीडियो ये हमारे भगत जी का थान है यहाँ पे भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया और चलो बच्चों को लेकर अब चलते हैं। देवता जो है हमारे खेतों के बीच में देखो गन्ने का खेत कितना बढ़िया हरा हरा और गांव से कुछ दूर खेतों के रास्ते आते हुए हम अपने देवताओं तक पहुंचते हैं यहां पे। चलो नंदिनी को मैं गोद में ले लूँगा भाई तुम्हारा कही है चंदन जहां पर पूजा करते हैं हैं ठीक है बर्तन यहां रख दूँ मंज जाऊँगे पूजा की कंडी भी यहाँ और खाना इधर बन रहा बच्चों के लिए उससे पहले चाय नाश्ता चल जाए इसका रस लाए थे रस के साथ चाय। फ्रेंड्स आज प्रीति को और मुझे कहीं जाना रिश्तेदारी में और रिश्तेदारी में कहीं घूमने तो जा नहीं रहे बता दो कहाँ जा रहे आज रिश्तेदारी में कहाँ जा रहे
मेरा जो जीजा जी है यानी मेरी जो बहन है मौसी की लड़की, उनके ताऊजी एक्सपायर हो गए। प्रीति की हाँ मौसी जी की लड़की है थाना भवन के पास, तो वहाँ जाना आज हम लोगों को। सौ साल से ज़्यादा उम्र बता रहे, बुजुर्ग हो रहे थे काफ़ी, वे एक्सपायर हो गए, तो उनकी 13वीं में जाना है। प्रीति की मौसी की लड़की की शादी हुई उधर, तो उनके पास रहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो लगभग तैयार हो गया हूँ और बस प्रीति भी होने लग रही है। देखियो माई को चाहिए आलू भुजिया और सार तक को भुट्टा, सार तक के लिए भुट्टा लाई है माँ जी। देखो बच्चों को भुट्टा भून भून के दे रही, तूने नहीं खाया? अच्छा भूनने लग रहा। एंजल वेटिंग में है और माँ जी देखो चूल्हे में आग जला के भुट्टा भून रही है बच्चों के लिए। बच्चे खड़े इंतजार कर रहे हैं अपने अपने भुट्टे का, सार तक को मिला सबसे पहला। और चिंकी ने तो बहुत आसान काम देखा है भाई, देखो चिंकी तो गैस पे भून रही है अपना। ऐसा गैस पे भुना हुआ इतना अच्छा नहीं लगता बेटा, तो इसे चिमटे उमटे से पकड़ लो, गरम हो रहा होगा हाथ। अरे वाह, तो फ्रेंड्स तैयारी होगी हम लोग, मैं तो तैयार पहले से हो ही गया था। प्रीति जी अभी तैयार बैग नहीं बोल रहे तैयार, और बैग ने ले लिया पानी की एक बोतल रख ली, गर्मी बहुत है प्यास लगे रास्ते में, बैग बाइक पे ले लेंगे, बाइक तैयार है हमारी और बस चलते हैं। हेलमेट और साइकिल के कागज, कैप उतार लूँ, हेलमेट लगा लूँ। लो भाई हेलमेट लगा लिया, बैग उठा लिया, चलो फ्रेंड्स लो तैयार हो गए, बाइक रख ली, बैग उन्होंने आगे लगा लिया, पीछे बैठेगी प्रीति। चलो मैं तो कह रही बैग मुझे दे दो। नहीं आगे रख लूँगा, आराम से बैठियो, पकड़ गए दोनों हाथों से बाइक पकड़ के बैठो। तो फ्रेंड्स चलते चलते हम लोग रास्ते में रुक गए एक जगह, बाइक हमने वो थाम ली पीछे अपनी, बाइक हाँ छाँव में थाम ली पेड़ के नीचे हमने, और एक ट्यूबवेल है बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा पानी है भाई साहब यहाँ, क्योंकि पेड़ है ना कई सारे, तो पेड़ की छाँव में जो ट्यूबवेल होती है ठंडा ही पानी मिला है। पानी तो हम अपने घर से भी लेकर चले थे लेकिन ट्यूबवेल का पी कर देखा बहुत बढ़िया पानी है, और वो जैसा ही है ठंडा है बिल्कुल, मज़ा आ गया पी के। और थोड़ा सा आराम करके चले गए यहाँ, क्योंकि देखो पत्ते हिल रहे ना तो थोड़ी सी हवा चल रही, और खेत में पेड़ के नीचे खड़े हो गए, ठंडी हवा का जो आनंद है ना वो घर के कूलर पंखे में नहीं है। देखो कितनी बढ़िया हवा चल रही, छोटी छोटी चेरी है या ज्वार बढ़िया हिल रही, और कितना बढ़िया नज़ारा है खेतों का। वह रोड है जहाँ से हम लोग होकर जा रहे थे, तो देखा हमने कई सारे पेड़ हैं यहाँ ट्यूबवेल के पास, तो हम पेड़ के नीचे यहीं पर रुक गए। हरा भरा नज़ारा है हरी भरी फसलों का। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा रेस्ट करके पानी पी के और थोड़ी ठंडी हवा खा के आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं कैलखेड़ा गांव में, बाइक हमने अपनी हाथ थाम ली, और पीछे तो कुछ मेहमान वहाँ भी रुके हुए हैं, घर इनका थोड़े से आगे है, तो चलो घर पर ही चलते हैं पहले। कुछ मेहमान तो यहाँ पर रुके हुए हैं पीछे, और घर इनका आगे भी है। चलो दोनों के रुकने की व्यवस्था यहाँ भी कर रखी, इधर भी कर रखी, और ये है घर इनका, यही तो है। प्रीति की मौसी जी की लड़की थी यहाँ पे, इनके यहाँ आए थे हम लोग, और इनकी मौसी जी में कई सारी लड़कियाँ आई हुई थी, और भी रिश्तेदारों से मिलकर देखो कितनी भीड़ लग रही, सब लोग मिलने जुलने वाले ही हैं वहाँ, सबसे मिलकर विदा होकर अब हम लोग चल रहे अपनी बाइक के पास आगे। चले जी हाँ जी चलो।